नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और अभी मैं मौजूद हूँ बाराडी पंचायत में। और मैं आपको बताऊँ, ये भीड़ देखकर जो विपक्षीय मुखिया प्रत्याशी है वो जरूर चिंतित हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि चिंता देवी जब आती हैं तो इसी कदर आया करती हैं। हम मौजूद है बाराडी पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है चिंता देवी जी, जो कि मुखिया प्रत्याशी है। चिंता देवी जी, हमें बताएं कि आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है फिर भी चिंता में दिख रही हैं। सबसे पहले डी फोकस को नमस्ते, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। चिंतित इसलिए हैं क्योंकि मेरा पहले जो मुखिया था वो मतलब मेरे गांव में काम नहीं हुआ है, मतलब बहुत ऐसा मतलब है जो काम नहीं हुआ है। इन लोग बहुत चिंतित है, इसलिए हम भी तो गांव का बसल है ना। आप कह रहे हैं कि पुराने मुखिया जो नहीं, वर्तमान मुखिया, उन्होंने काम नहीं किया है, तो सबको चिंतित है। तो ऐसी क्या चीज़ें आप करना चाहती है जो उन्होंने नहीं किया? ऐसा जैसे देखिए, बिजली नहीं रहता है गाँव में, पानी का सुविधा नहीं है, स्कूल का मतलब उतना सुविधा नहीं है, उसके बाद बहुत ऐसा है कि इंदिरा आवास नहीं है, वृद्धा पैसा नहीं है, उसके बाद और ऐसा बहुत चीज़ काम है जो गांव में नहीं हुआ है, गाँव में विकास नहीं हुआ है। तो वो सब हम चाहते हैं कि हम जो मुखिया बन जाएंगे तो हम चाहते हैं कि वो सब सभी को पूरा करेंगे। लेकिन मैं जैसा जानती हूँ कि आपके जो पति है विनोद महतो जी, वो विधायक, जो बेरमो विधायक है, विधायक है, तो उसमें मतलब विधायक का गाँव का मतलब मुखिया में विधायक और मुखिया मिक्स मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। आप पूरा 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 प्रश्न सुनिए मेरा। मैं कहना चाहती हूँ, वो प्रतिनिधि जैसे हैं विधायक के, ये बेरमो क्षेत्र में आता है, क्या विधायक जी ने काम नहीं किया इस क्षेत्र? किया, बहुत सारा काम किया। अभी विधायक जी ने तो काम किया। क्या काम किया विधायक जी ने? तो वो अपना काम किया, लेकिन मुखिया को तो पंचायत का अपना काम है ना, पंचायत का मुखिया का। जैसे कौन सी चीजें जो है जो विधायक नहीं ला सकते और मुखिया लाते? नहीं, विधायक तो सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन हमारा ये काम है कि मतलब हमारा पंचायत का हमारा मतलब सब चीज़ें सुविधा देना काम है ना। जब सबको गांव मतलब गांव का सभी महिला और जैसे काका काकी जेठा जेठी भाई बहन लोग सभी लोग जैसे हमको साथी मतलब संपर्क किया है कि हमको मुखिया के रूप में खड़ा किए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो इन लोगों को तकलीफ है वो तकलीफ ना रहे, हम मुखिया बनकर सबका पूरा करेंगे। इतना जन सैलाब आपने जुटाया है, क्या उम्मीद करते हैं इस बार? क्या चिंता देवी की चिंता बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी? देखिए, कम हो जाएगी, बढ़े मतलब जीतने के बाद मेरा चिंता और बढ़ेगा कि जैसे पूरा जनता मेरा खुश रहे, जो अभी चिंतित है वो चिंतित ना रहे। आपने सुना, ये थी चिंता देवी जी। हम थे बाराडी पंचायत में और इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह जनता चिंतित है उसको लेकर ये भी चिंता में है और जल्द से जल्द चाहती है कि जनता इनको समर्थन दे, ये मुखिया बने और जल्द से जल्द जो उनकी चिंता है, जो लोगों की चिंता है, उसे ये दूर कर सके। कैमरामैन भोला के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।